आने वाला साल मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा जैसा साबित होने वाला है, क्योंकि अगले साल देश में 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष और कई बड़े विपक्षी नेता कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, और बीते दिन भी कुछ यूं ही हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं और उन्होंने मतदाताओं का विश्वास खो दिया है। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में सांप्रदायिक भीड़ और गोरक्षकों की हिंसा की घटनाओं पर खामोश रहने के लिए भी प्रहार किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के विमोचन अवसर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में देश के विश्वविद्यालयों और सीबीआई जैसी संस्थाओं का माहौल खराब हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के तहत देश में विश्वविद्यालयों और सीबीआई जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को नुकसान भी पहुंचा है। मनमोहन सिंह की यह टिप्पणी फिलहाल सीबीआई में चल रहे संकट के बीच आई है। एजेंसी के दोनों शीर्ष अधिकारियों के अधिकार छीन लिए गए हैं और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के लोगों ने ढेर सारे वादे करके 2014 में नरेंद्र मोदी को 14वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया था। पिछले 4 सालों में मोदी जी और उनकी सरकार मतदाताओं की उम्मीदों पर खरी उतरने में असफल रही है, साथ ही उन्होंने मतदाताओं का विश्वास भी भंग कर दिया है। वे सभी भारतीयों के प्रधानमंत्री होने की बात करते रहते हैं, लेकिन जिस सरकार का यह नेतृत्व करते हैं वह सांप्रदायिक भीड़ और गोरक्षकों की हिंसा पर ज्यादातर खामोश रही है। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।